हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? सब लोग मस्त होंगे। तो गाइस फिर से हाजिर हैं हम एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अपना जो GoPro 9 है वो आ चुका है, तो अभी जा रहे हैं इसकी वीडियो क्वालिटी टेस्ट करने। तो अभी जो वीडियो है वो 2K में शूट हो रही है, तो जाते हैं। थोड़ा सा मनु भाई के पास काम भी है, तो बाइक को थोड़ा सा स्क्रैच लगा है, तो वो ही पूछते हैं कि हो जाएगा ठीक नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद मनु भैया से हेलमेट लिया था, उसकी पेमेंट भी करनी है। तो चलते हैं गाइस, बने रहो अपने ब्लॉग में कंटिन्यू। तो यार यहाँ के ड्राइवर है ना, बहुत ही यूनिक है। यहाँ के ड्राइवर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो पहले जाते हैं मन्नू भैया के पास, पेमेंट करते हैं हेलमेट की, उसके बाद। तो ये है मन्नू भैया की शॉप, और मन्नू भैया अभी यहाँ पे अपनी बाइक वॉश कर रहे हैं। मैंने सोचा मेरी बाइक तो नहीं आ गई। तो गाइस ये है मन्नू भैया की शॉप बुलेट। और मन्नू भैया देखो, बच्चों को लड़कों को सब घर भेजकर खुद काम कर रहे हैं, और इतने अच्छे बंदे हैं ना, गाड़ी खुद वॉश कर रहे हैं। जो इनके पास लड़के हैं सबको छुट्टी कर दी इन्होंने, बेचारों को लंबी छुट्टी दे दी है, क्योंकि आगे बर्फ़ पड़ेगी फिर वो घर नहीं जा सकते। तो ये इनका वर्कशॉप है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है बुलेट का और गाड़ी वॉश। बाकी हेलमेट वेले नहीं लाया इन्होंने, बहुत ही अच्छा है, वो आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये। तो गाइस अपनी जो जान को लगा सिकराज, सुबह यार किसी ने मारा इधर, बड़ा कट मारा। ये देखो, ये तो कट बजा इसको। ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें पता क्या, देख नेल जा रहा ना। हाँ, इसमें नाखून जाए ना। हाँ, वो रिमोनी होता है, इसको ज्यादा छेड़ना नहीं। इधर और इधर पड़ा था यार, अब क्या करूँ। कोई चीज है, ये प्लाई से बजवाई उसने, ये प्लाई से बजवाया। तो गाइस ये वो हेलमेट है जो मन्नू भैया से लिया हमने, देख सकते हो कितना औसम है। और इसको फिटिंग की है हमने अपना GoPro 9 जो अपना नया आया है। तो चलते हैं और कुछ शूट करते हैं थोड़ा सा, फिर वीडियो को एडिट करेंगे, फिर सुबह आपको मिलेगी। निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस चलते हैं यहाँ से, जो सिकराज था उसका कुछ नहीं बनेगा। तो जाते हैं नीचे तक थोड़ा सा, और वीडियो शूट करते हैं कैसी बनती है। भाई क्या कर रहा है यार। तो गाड़ी को करेंगे हम न्यूट्रल, क्योंकि तेल बचाना है, क्योंकि भाई भदरवा में तेल बहुत महंगा है। भदरवा की बात नहीं गाइस, तेल हर जगह महंगा है। जहाँ पर आपको न्यूट्रल मिलता है प्लीज़ न्यूट्रल ही चला करो, कुछ सेविंग करो यार, क्योंकि ज़िंदगी कम नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और ये गुड शॉट यार, ये लोचा गंदा है यार, आर्मी बॉय। तो भाई चलते हैं यार, गाड़ियों का क्या है, इन्होंने चलना ही ऐसा है। हम भी बस स्टैंड से जाएंगे, बस स्टैंड से अपने पर्ले बाज़ार चलेंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमने वीडियो क्वालिटी टेस्ट करनी है, तो अभी सोच रहे हम कहीं लॉन्ग रूट का नाइट का, पर गाइस अभी बन रहा नहीं प्लानिंग, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल है ना थोड़ा बिजी है सारा, किसी को दिन को काम है, किसी को रात को काम है, किसी को कब काम है, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रही है। लोग साइड नहीं देते, पर जब स्पीड अप हो जाती है ना सब साइड दे देते हैं, पर फ़ायदा नहीं है, स्पीड अप करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक तो अपनी गाड़ी का थोड़ा सा हो जाता है। जितने प्यार से चलोगे गाइस उतना बेस्ट है, पर क्या करें, बीच में बीमारी आ जाती है ना, वो है ना, बोलते हैं ना कीड़ा होता है, वो उछलता है दिमाग में, हाथों में एक्सीलेटर मार देता है, बस वो है। तो सामने देखो कितनी प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं, तो आपको दिखाएँगे। तो गाइस देख लो कितनी प्यारी प्यारी बकरियाँ हैं। तो अभी अपने घर चली हैं, घर चढ़ के
भाई यार दे साइड यार मेरे को, तो अभी शाम का टाइम है गाइस, सूर्य डूबने वाला है, थोड़ा सा बचा है। और ये अपनी गाय माता बीज रोड से चलती है और इस गाय के पेट में बच्चा, देखो गाइस कितना बड़ा पेट हो गया बेचारी का। माँ तो माँ होती है भाई, इतना टेढ़ा। ओके ब्रो, नहीं ना ये इतनी काम चलने वाला, इतना टेढ़ा। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट क्योंकि क्लिनिक पे कोई नहीं है, तो फिर आपको पता है इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। और गाइस पदरों में मशहूर है कुत्ते, देखो ये क्या करता है। और यहाँ पर हम शाम को आए थे पिज़्ज़ा खाने, तो देखते हैं शाम को क्या बनता है आज। तो अभी हम जा रहे हैं कालीगंज रूट पे, तो गाइस ये है कालीगंज का रूट है। तो ये अपना बस स्टैंड गया, कोटली बस स्टैंड चला गया, जो मेन बसें हैं यहीं पर होती है, स्टे यहीं पर होती हैं, उसके बाद सुबह निकलती हैं। तो क्या करें, छोटे मोटे कट मारने पड़ते हैं। ये कॉलेज का हॉस्टल बन रहा है यहाँ पे गाइस, तो अंकल जी थोड़ा सा साइड, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में है, जल्दी नहीं है यार उतना जल्दी भी नहीं चलना। ये अपना कॉलेज का व्यू है, और हम लेंगे लेफ्ट क्योंकि वक्त नहीं है, और चलते हैं यार। तो गाइस देखो थार, यूट्यूबर की जो ड्रीम होती है ना, एक तो होती है सुपर बाइक, तो एक होती थार। पर गाइस मेरी थार नहीं है, मेरी सुपर बाइक है, वो भी टनार। भाई आजा आजा, ये गाड़ी वाले हैं ना, ये देखते हैं कि भाई इन्हीं की रोड है सब कुछ, पर ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए गाइस। देखो मानते हैं कि हर बात पे कोई ना कोई सीन होता, भाई भाई यार ना हिंदी गड़ा ना कुछ यार समझ नहीं आता यार, तो हम कहाँ पे थे। हाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा गलती हम करेंगे, अगला वाले गलती करता है, क्योंकि घर से जब बंदा निकलता है सो टेंशन होती है बेचारे को, और इसलिए खुद भी सेफ चलो, अगले वाले को भी देख कर चलो। यह नहीं है कि अगला वाला किसी टेंशन में चल रहा है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे तो सेफली कोई चलता है, कुछ नहीं होता। तो ये अपनी जमा मस्जिद, तो गाइस ये अपना बाबू भैया, तो बाबू भैया को लिफ्ट चाहिए, बाबू भैया मार भी रहा है यार। तो बाबू भैया आज पहली बार मेरी बाइक पे बैठे हैं, देख लो गाइस जो भी चीज़ होती है पहली बार ही होती है। आज मेरा हेलमेट आया है, गोप्रो आया, और बाबू भैया पहली बार अपने बाइक, कमेंट में ज़रूर बताओ यार इसका क्या नाम रखें, नहीं तो वापस से बिल वाला नहीं रख लेंगे हम इसका फिर से। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताओ यार इसका नाम क्या रखें हम, नहीं तो हम वापस से हम बिल्लो रानी रखेंगे इसका नाम फिर से। पहली वाली बिल्लो रानी चली गई, दूसरी वाली आ चुकी है, तो चलते हैं गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर लेना। तो अभी गाइस कुछ लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करो गाइस, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरत है सब लोगों की गाइस, प्लीज़ सपोर्ट किया करो यार। और चलते हैं यार, ऑलरेडी लेट हो गए हैं गाइस। जो आज का ब्लॉग था यहीं पे ख़त्म होता है, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और जो चैनल पे नया है अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।